इंदौर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा स्वाद एवं संस्कृत के महाकुंभ जन्ना का आयोजन किया गया है, जहां बेहतरीन स्वादिष्ट मराठी डिशेज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। गार प्लाजा में आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि इसमें 50 से ज्यादा मराठी व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें पूरण पोली, झुड़का भाकर, भाकरवड़ी, सोलकड़ी आदि विविध व्यंजनों को परोसा जा रहा है। बता दें कि जन्ना में फूड स्टॉल गृहिणियों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं और व्यावसायिक लोगों को फूड स्टॉल नहीं दिए जाते हैं। जन्ना का आयोजन देखकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बताया गया कि इस बार भी जन्ना पूरी तरह से जीरो वेस्ट रहेगा, जहां जितनी भी सामग्रियां यहां उपयोग में की जा रही उनसे खाद बनाई जाएगी और जहां से निकले सारे कचरे से खाद बनाकर नगर निगम को सौंप दी जाएगी। संकेता देश कुलकर्णी और सुप्रिया पुंडलिक ने बताया कि मराठी व्यंजन अपने लजीज स्वाद के कारण पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हर कोई मराठी व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहता है, इसलिए प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। 50 से अधिक वैरायटी के मराठी व्यंजन यहाँ स्टॉल में लगाए गए हैं, जहाँ सबसे विशेष बात यह है कि किसी भी व्यंजन के स्टॉल जहाँ व्यापारियों द्वारा नहीं लगाए गए हैं, बल्कि यह सारे स्टॉल गृहणियों के द्वारा ही स्टॉल लगाया है। क्या नाम है, कैसे बनाई जाती है? इसका नाम है रसा पाटोड़ी पोड़ी। इसको हम घर पे ही मसाले तैयार करते हैं, इससे हमारा घर का मसाला बनाते हैं और फिर उसके बाद में पाटोड़ी, हम बेसन की पाटोड़ी को बिल्कुल गरम गरम हाट के और फिर उसको थापते हैं पट्टी पर, ये तैयार होती है। रोटी गेहूँ की, इसको चटनी के साथ परोसा जाता है। वो चटनी, अभी ये चटनी हमारी, हम इसको मराठी में पंचामृत बोलते हैं, हमारे उसमें बनाई जाती है तीज त्योहारों पर जी। और यहाँ पर अभी गुड़ और इमली की चटनी के नाम से हम फेमस कर रहे हैं इसे, मूंगफली के दाने, गुड़, इमली, मसाला। अच्छा। सब आता है इसमें जी। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम है सुनीता भार्गव, हमारा स्टॉल नंबर है 8 जत्रा में। बड़ी है महाराष्ट्र की, इसमें हरा धनिया, खोखरा, खारी, अपना तिल्ली, दाने, खसखस, हरी मिर्ची, इसका भी बनाया, उसमें अजवाइन सौंफ डाला है, इसका कवर करा है। ठीक है, और ये चटनी किस चीज़ की रहती है? बेसन की चटनी, प्योर बेसन की चटनी रहती है। और इसमें क्या रहता है? फूड कलर डाला है, कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइए। अर्चना कोकाटे, इसमें दही भी डालता है जी, सोडा डालता, तेल डालता, नमक, शक्कर सब डाल के रात को गला के रखना पड़ता है जी, 8 से 10 घंटे तक गलाना पड़ता है जी, साँचे में तेल डाल के बनाना पड़ता है जी। इसके साथ दो हम चटनी भी देते हैं, एक चटनी मीठी रहती है, एक चटनी चरखी रहती जी, चरखी चटनी धनिया और मिर्ची की रहती, मीठी चटनी। अच्छा, काफ़ी लोगों को पसंद आती है, तो ये सारा आइटम रात को ही बना के और इसको छोड़ देते हैं? हाँ। और फिर सुबह इसका घोल बनाते हैं या फिर बना के ही छोड़ते हैं? नहीं, रात को ही बना के घोल बना के रखते हैं और सुबह बनाते हैं। अच्छा, फिर सुबह उससे डिश तैयार करते हैं। हाँ। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। योगिता पडोली, उसमें ना पोहा और आलू होता है और उसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद जो भी मसाला होता है, हरी मिर्च, धनिया, उसमें मिक्स करके ये बनाया जाता है और इसे ऑयल में तला जाता है। ये कौन से ऑयल में तला जाता है? सरसों का रहता है या फिर कौन सा? मूंगफली ऑयल। मूंगफली ऑयल में तला जाता जी है। ठीक है, ओके सर।